जैसे आप जानते हैं कि मैंने औरंगाबाद के नाम के लिए एक न्यायिक लड़ाई लड़ी, यही लड़ाई को अभी हम राजनीतिक लड़ाई भी लड़ने की तैयारी में हैं। इसीलिए औरंगाबाद की ऐतिहासिक पहचान बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए और औरंगाबाद शहर के जो लोगों का हक है वो उनको विकास के रूप में और हर तरीके की सुविधा के रूप में मिलना चाहिए, इसलिए इस राजनीतिक लड़ाई का आज हमने यहाँ से प्रारंभ किया है। मैं और मेरे सारे साथी जो यहाँ मौजूद हैं वो औरंगाबाद के लोगों के भलाई के लिए जो भी काम होंगे वो करने में हम प्रतिबद्ध हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये राजनीतिक लड़ाई को हम जीतें और आने वाली जो विधानसभा जो गठित होगी उसके अंदर औरंगाबाद के लोगों की आवाज़ उठाएं, औरंगाबाद के ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखते हुए किस तरीके से हमको औरंगाबाद को आगे ले जाना है। जो काम डॉक्टर रफीक जकरिया साहब ने किया था उस काम को आगे बढ़ाना है। हम देखते आए हैं कि कई दिनों से औरंगाबाद की पहचान और औरंगाबाद की विकास के साथ कई पार्टियों ने खिलवाड़ किया है, इसीलिए किसी पार्टी के साथ नहीं जाते हुए मैं जनता के भरोसे, अपने लोगों के भरोसे इस मैदान में उतरा हूँ, इस चुनावी मैदान में उतरा हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि शहर के हर वर्ग, हर समाज के लोगों को साथ में लेकर औरंगाबाद का विकास कैसे हो सकता है, औरंगाबाद का नाम इस देश में नहीं दुनिया में आगे कैसे ले जाया जा सकता है, इसके प्रति हम प्रयास करेंगे और इसके लिए हम वचनबद्ध रहेंगे। उस्मानी साहब, आपका कुछ ऐसा कैंपेनिंग वगैरह देखने में नहीं आ रहा है जैसा दूसरे कैंडिडेट से, तो ऐसा क्यों, आप ऐसा अभी तक ऐसा नज़र क्यों आ गया, पीछे रहे इलेक्शन से? देखिए, जो काम हमको करने चाहिए वो मुझे लगता है कि इंसान के लिए काम इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे जब बात आई औरंगाबाद के नाम के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, वो मैंने अपने तौर से लड़ी। इस लड़ाई में जो भी जो अखराजात हुए वो मैंने अपने ज़ात से उसको लगाया। मैंने हम सारे दोस्तों से यही कहा है कि भाई अगर इसमें बात थी लड़ाई लड़ने के लिए तो जो पैसे उसमें लगे वो नोट मैंने लगाए, लेकिन अब बात है जनता के साथ ये लड़ाई लड़ने की। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि आप अपना जो वोट है वो हमको देकर इस लड़ाई में शामिल हों ताकि औरंगाबाद की पहचान बची रहे और औरंगाबाद के हर समाज को साथ लेके हमको आगे जाना है। कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से प्रचार कर रहा है, हमको इससे कोई सरोकार नहीं। हमको सिर्फ ये है कि हम हमारे क्षेत्र के और लोगों को साथ लेकर उनका विकास कैसे कर सकते हैं, ये हमारी सोच रही है। थैंक यू।